गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं GSTR 1 के अंदर जो रिलैक्सेशन दी गई है उसके विषय में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी GSTR 1 के अंदर ये रिलैक्सेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने GST का पोर्टल। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी 18-19 की GSTR 1 फाइल कर चुके हैं और उसके अंदर अगर कुछ गलती आप कर बैठे हैं तो वो आप नवंबर 2019 की GSTR 1 के अंदर अमेंड कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर महीने से उस चीज को दिसंबर महीने से डिजेबल कर दिया जाएगा। लेकिन आज ही फिर GST पोर्टल जो है वो अपडेट हो चुका है और क्या चेंजेस किया गया है इसके अंदर वो मैं आपको दिखाने वाला हूं और उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करने। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली GSTR 1 के ऑनलाइन पोर्टल पे। जो मैंने आपको कल दिखाया था और जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, दोनों में चेंजेस आ चुके हैं। कल मैंने आपको दिखाया था कि नवंबर महीने में तो आपको अलाउ किया जाता है GSTR 1 से रिलेटेड 18-19 के इनवॉइस को अमेंड करने के लिए, जबकि दिसंबर महीने का जो GSTR 1 है उसमें आपको 18-19 से रिलेटेड अमेंडमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। अब ये मैंने ओपन किया है आपको दिसंबर महीने का GSTR 1। कल मैंने आपको दिखाया था टेबल नंबर 9A अमेंडेड B2B इनवॉइसेस, इसके अंदर कल सिर्फ और सिर्फ 1920 का ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा था, बल्कि आज आप देखेंगे तो यहाँ पे 1819 और 1920 दोनों ही अपडेट हो चुके हैं। तो हो सकता है कल की वीडियो के बाद ये अपडेट जो है वो किया गया हो। तो यहाँ पे अगर आप 1819 का डेटा पुट अप करेंगे और यहाँ पे 1819 से रिलेटेड जो भी इनवॉइसेस है उसको अगर आप अमेंड करना चाहते हैं तो इनवॉइस नंबर डाल के आप यहाँ पे इसे अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट में आप GST नंबर पार्टी का, उसका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट, ये फील्ड्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये एज पर लॉ है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या ये करना सही रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 का प्रोविजो क्या कहता है। सेक्शन 37 बात करता है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। अब यहाँ पे सब सेक्शन 3 है जो बात करता है हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अपनी डिटेल्स फाइल करी है GSTR 1 में, वो अपनी एरर्स, अपनी ओमिशंस को रेक्टिफाई कर सकता है। कब रेक्टिफाई करेगा, जिस महीने, जिस टैक्स पीरियड में उसको अपनी एरर या ओमिशन दिखती है उस महीने वो रेक्टिफाई कर सकता है। और इसके लिए एक प्रोविजो भी डाला गया है जिसके अंदर एक डेडलाइन फिक्स की गई है, और वो डेडलाइन क्या रखी गई है, नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिटेल्स furnished under subsection 1 shall be allowed after furnishing the return under section 39 for the month of September 2019 following the end of financial year to which such detail pertains or the annual return furnishing details whichever is earlier। कहने का मतलब है कि अगर आप 18-19 से related GSTR 1 को amend करना चाहते हैं तो वो आप कब तक कर सकते हैं as per law, वो कर सकते हैं सेप्टेम्बर महीने की GSTR 3B की जो फाइलिंग डेट है उस दिन तक आप GSTR 1 को अमेंड कर सकते हैं। काफी लोग इस चीज को लेकर के कमेंट करते हैं मेरे पास कि अगर आप इस चीज को ऐसे रीड करेंगे कि अगर हमारा सेप्टेम्बर महीने का GSTR 1 जो है वो फाइल हो गया है उसके बाद उस चीज को अमेंड नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये देखना है कि आपने सेक्शन 39 का रिटर्न, सितंबर 19 की रिटर्न 3B वाली वो फाइल करी है या नहीं। अगर वो अभी तक आपने फाइल नहीं करी है तो आप GSTR 1 अमेंड कर सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता, प्रोविजन भी आपको मना नहीं कर रहा है इस चीज के बारे में। इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। अब यहां पे मैं सितंबर 19 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो प्रोविजन कहता है फाइनेंशियल ईयर जिससे वो इनवॉइसेस रिलेटेड है
उसके अगले महीने की सेप्टेम्बर अगले फाइनेंशियल ईयर की जो सेप्टेम्बर की रिटर्न होगी उस पीरियड या एनुअल रिटर्न की जो फाइलिंग डेट है, दोनों में से जो पहले फॉल करेगा वो। तो एनुअल रिटर्न तो अभी 31 मार्च 20 है तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, हम लोगों को देखना है 3B। अब सवाल आता है कि क्या अभी अगर हम लोग इसको अमेंड कर देते हैं तो सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आप एज पर द प्रोविजंस काम करेंगे। कोई नहीं आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रोक सकता है, चाहे वो ऑनलाइन नजर आए, एनुअल रिटर्न के टेबल 8A में नजर आए या ना आए, उन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सेक्शन 16 की कंडीशंस फुलफिल कीजिए, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं रुक सकता किसी भी कीमत पर। अब यहाँ पर आते हैं कि ये हो गया हमारा B2B इनवॉइसेस से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है उसकी बात। अब यहाँ पे सवाल आता है कि B2C का जो इनवॉइस है उसका क्या होगा? तो 10 नंबर कॉलम है वो बात करता है B2C इनवॉइस की। इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 18-19 और 19-20 दोनों का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। और 18-19 के अंदर अगर आप कोई भी डेटा ऐसा था जो भी B2B में चढ़ाना था लेकिन B2C में चढ़ा दिया गया है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, B2B के अंदर आप इनवॉइस को ऐड करेंगे और साइमल्टेनियस अमाउंट जो आपका B2C का है उसे आप यहां से रिड्यूस कर सकते हैं। इसको पूरे प्रोसेस को मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए रिकॉर्ड किया है जिसकी डिटेल्स मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दी है, आप उस चीज को चेक कर सकते हैं। तो यहां पे आपका B2C से रिलेटेड इनवॉइस, B2B से रिलेटेड इनवॉइस दोनों का अमेंडमेंट आप कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आपका एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है अगर उससे रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट है तो उसको भी आप यहां पर 18-19 से रिलेटेड कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है आपको समझने वाली वो है क्रेडिट और डेबिट नोट से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्रेडिट और डेबिट नोट को जो अमेंडमेंट है वो 17-18, 18-19 और 19-20 तीनों ही ईयर का आपको अलाउ किया जा रहा है। मतलब आप 17-18 से रिलेटेड जो क्रेडिट या डेबिट नोट है उसको भी अमेंड कर सकते हैं 19-20 की दिसंबर 19 की रिटर्न के अंदर। तो अगर आपका नवंबर का रिटर्न फाइल हो चुका है तो आप घबराएं ना, आप दिसंबर महीने की GSTR 1 में इस चीज को अमेंड कर पाएंगे। और एक लोगों का यह भी सवाल आ रहा था कल की वीडियो के बाद कि नवंबर 2019 की अगर रिटर्न में अलाउ किया जाता है तो मंथली फाइलर्स को तो ऑप्शन दे दिया जाएगा लेकिन जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनका क्या होगा, क्योंकि उनके लिए तो दिसंबर 2019 जो होगा वो एक क्वार्टर के अंदर फॉल करेगा, तो उनको अब ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं? तो ये दिसंबर में जब से ये इनेबल किया गया दैट मींस अक्टूबर से लेकर दिसंबर क्वार्टरली फाइलर्स के लिए भी ये ऑप्शन अब ओपन हो जाएगा। 18-19 से रिलेटेड कोई भी इनवॉइस आप अमेंड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आपकी सितंबर 19 की 3B अगर नहीं फाइल हुई है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्या आपका सितंबर 19 का 3B फाइल होने के बाद भी पोर्टल अलाउ कर रहा है? जी हाँ, पोर्टल उस चीज को भी अलाउ कर रहा है लेकिन वो एज पर प्रोविजंस नहीं होगा, उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो दिक्कत है वो आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी GSTR 1 के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो तो आप GST के लिए क्रिएट एक्सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिसका साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि GST के अंदर जो R1 रिटर्न है उसकी अमेंडमेंट की डेट क्या है और कौन से रिटर्न तक उसको किया जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको GST से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।